ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी आए हुए हैं, उपस्थित हैं, जो बचपन से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और करीबन 47 इयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो आज हमें रूहानी पालना के ऊपर कुछ प्रकाश उस पर डालेंगे। तो मैं दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो दीदी यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। जैसे दीदी जी पालना जो ये शब्द है बचपन से हम सुनते आए हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं छोटे बच्चों को पालना देते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालना देते हैं, तो जब हम यहाँ पे रूहानी पालना ये शब्द सुनते हैं, तो आपके हिसाब से दीदी रूहानी पालना क्या होती है या तो कैसे होती है? इस संसार में जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको पालना की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि बचपन से जो पालना मिलती है तो पूरे जीवन का उसके पर आधार होता है। इसलिए हर माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि वो शरीर से तंदुरुस्त रहे, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसको रूह कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं, तो उसको भी पालना की इतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर आत्मा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो शरीर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन आत्मा की पालना पर स्थूल वस्तुओं से नहीं की जा सकती, जैसे शरीर को भोजन आदि की सामग्री जो है चाहिए, लेकिन आत्मा को जो है वो सूक्ष्म सामग्री की आवश्यकता है, तो जिसको कहते ईश्वरीय ज्ञान, यह स्वयं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और ज्ञान के साथ साथ राजयोग, जब उनको ये ज्ञान मिलता है कि हमें कैसे परमात्मा को याद करना है, तो जब परमात्मा की याद की शक्ति आत्मा के अंदर भरती है तो आत्मा अपने आप को शक्तिशाली पावरफुल महसूस करती है, और वो पावर जब आत्मा के अंदर बढ़ती है तो बड़े से बड़ा कार्य भी वो आसानी से कर लेती है। तो रूहानी पालना जो है वो रूह का पिता परमात्मा ही हमें सही रूप से दे सकते। जैसे दीदी पालना के लिए तो बहुत सारे लोग दुनिया के उत्सुक होते हैं, उनको पालना की बहुत आवश्यकता है आज की दौर में। तो वैसे भी सेंटर पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और आपके साथ इतनी सारी टीचर्स भी रहती हैं, तो दीदी जी आप उनको किस प्रकार से पालना देती हैं? जब हम पालना दे किसी आत्मा को या देते हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि पालना देते हुए भी हमारा जो अपनापन है एक आत्मिक रूप से वो बना रहे, शारीरिक रूप से नहीं। क्योंकि जितना आत्मिक रूप से रहेगा अपनापन, तो हम न्यारे होकर के उनको पालना देंगे तो वो आत्मा भी हमारे से जैसे पालना लेते हुए भी उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुटा रहेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं पालना देने वाली हूँ, मुझे पालना देनी है, और ज़्यादा हम उनका एक क्या बोलते हैं फिजिकल रूप से ध्यान रखेंगे, तो क्या वो आत्मा जो है शायद इतना उन्नति को प्राप्त न कर सके। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पालना देते हुए भी हम न्यारे होकर के पालना देवे, और इनको हमें क्या बोलते हैं कुछ योग्य बनाना है इस आत्मा को, उस हिसाब से भी हम उनको पालना देते। तो आपकी पालना तो बहुत सारे टीचर्स भी ले रहे हैं और स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, और मैं खुद भी आपसे बहुत सारी पालना ले रही हूँ। तो आप इतने सबको पालना देते हैं, तो आपको भी पालना की आवश्यकता तो थी जब आप छोटे थे। तो दीदी जी मेरा सवाल ये है कि आप जिनों से पालना ली है, क्योंकि हर एक की विधि अपनी अपनी होती है पालना देने की, तो उन्होंने की पालना देने की विधि क्या थी जिन्होंने आपको पालना दी, और फिर आप सबसे ज्यादा किन से पालना ली हुई है? पालना की तो हर आत्मा को आवश्यकता होती है शुरू से लेकर अंत तक। ऐसा नहीं कि बहुत साल हम ज्ञान मार्ग में चल पड़े तो अभी हमें जरूरत नहीं। उस समय कैसा होता है, हम पालना ले भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं जी। लेकिन जिस समय हमें आवश्यकता होती है, उस समय बड़े भी यही सोचते हैं कि ये आत्मा कुछ योग्य बने और भगवान की सेवा में ज्यादा मददगार बने, तो उनकी भी वही भावना रहती है। इसी प्रकार से हम लोग भी बड़ों से सीख करके उसी प्रकार से उस
पालना के अंदर जैसे ढल जाते हैं जी. कि हमें भी ऐसे आत्माओं को योग्य बनाना है, और उनकी विशेषता देख करके कि इनके अंदर क्या विशेषता है उसी को हम ज्यादा यूज करवाते हैं, तो उसके आधार से भी वो आत्मा आगे बढ़ती है, यानी उसको एक अनुभव होता है कि मेरी विशेषताओं को कार्य में लगाया जा रहा है, तो उनको भी खुशी होती है, खुशी खुशी से वो उसमें तैयार हो जाते हैं। तो हम जब इस बाबा की सेवा में आते हैं और समय प्रति समय अपना जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ जो बड़ी दीदियाँ हैं दादियाँ हैं, तो हमें कभी अपने नज़दीक बुलाते हैं और कहते हैं कि आज आप हमारे साथ में भोजन करो। तो जब हम उनके साथ भोजन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और न सिर्फ भोजन की बात है लेकिन जब वो हमारे साथ प्यार से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जो लौकिक से भी बढ़कर के या अलौकिक पालना मिल रही है, तो वही हमें सीख करके ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे पालना सब आत्माओं को देवे और उनको भगवान के नजदीक लेकर के जाए। जी जी बहुत अच्छी बात, क्योंकि पालना के लिए हर एक का दिल तो उभर आता है कि हमें भी पालना मिले, और आपने इतनी बड़ों की पालना ली है। तो दीदी जी, जैसे रूहानी पालना का तो आपने बहुत अनुभव किया, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव है, लेकिन हम सुनना चाहेंगे कि आपका एक ऐसा अनुभव जिससे आपको बहुत सारी रूहानी पालना मिली हो। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं जैसे आप ठीक जी. बता रहे हैं, लेकिन स्पेशल हम यही अनुभव बता सकेंगे कि जब हमें कोई बात जो है बड़ों के द्वारा बताई जाती है कि माना कोई बात समझाई जाती है और उसको हम उस रूप से लेते हैं कि इसमें हमारा कल्याण है, तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको दादियों ने कहाँ भी सेवा के लिए भेजा और बहुत हमें प्यार से बताया, गाइड किया, और तो हम उसी में हाजी करते गए तो हमारी उन्नति होती गई। तो इस प्रकार से भी, और जैसे हम बड़ों के नज़दीक आते हैं तो वो भी चाहते हैं ना कि इनके द्वारा हम कुछ सेवा करवाए, तो जब हमें बार बार हमारे साथ प्यार से बात करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमें इतनी बार प्यार से बता रहे, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। जी, वैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से तो हमें बहुत सारी पालना मिलती ही है, डायरेक्ट पालना मिलती है, लेकिन दीदी जी मेरा सवाल ये है कि आपकी सबसे ज्यादा जैसे कृतज्ञता कोई व्यक्ति हो तो किनके प्रति है? ऐसा हम विशेष नहीं बता सकते क्योंकि उसमें कई आत्माएं हैं, तो विशेष ऐसा हमें नहीं लगता है कि किसका हम ये बता सके, लेकिन फिर भी दीदी और दादी हमारे लिए विशेष थे, प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से पाला, बहुत हमारा ध्यान रखा और हर बात में माना ज्ञान में योग में धारणा में सेवा में सब बातों में हमें अच्छी तरह से पालना दी। और जब मधुबन में जाते हैं माउंट आबू में जाते हैं तो वहाँ पर दादियाँ जो है सबको अपने हाथ से टोली खिलाते हैं, कभी मुंह में टोली खिलाते हैं, तो ये भी उनकी एक पालना, या प्यार से गले मिलते हैं तो ये भी उनकी पालना। तो ऐसे ही पालना में हम आगे बढ़ते गए, हमें पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे हैं या हमारे से कुछ मेहनत हो रही है, बस ऐसे सहज सहज चलते गए। जैसे दादी से तो पालना हम सबने लिए, लेकिन दीदी ने, दीदी को तो हमने नहीं देखा और आपने दीदी के साथ बहुत समय बिताया है, तो एक स्पेशल अनुभव जैसे दीदी के साथ आपने बिताया हुआ एक पल प्लीज हम सबसे शेयर कर सकते हैं या हमसे हमें बताएं। हम जैसे बड़ी दीदी का एक उदाहरण बताते हैं और बड़ी दादी का भी, कि जब हम दीदियों के सामने बैठ करके योग करते हैं और जब वो योग कराते हमें कराते थे तो उस समय हम सारी दुनिया भूल जाते, ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम एक दूसरी दुनिया में चले। और स्थूल पालना की बात अगर बताएं कि एक बार ऐसा हुआ कि पूना में बड़े दीदी जी आए थे और उस समय हम बहुत सेवा करते थे, तो शायद हम थोड़ा सा शरीर के हिसाब से वेट भी कम हो गया, तो बड़ी दीदी जब आए तो उन्होंने देखा तो बोले इनको इनका ध्यान रखो, इनको ठीक से ये करो, मतलब खाना पीना वगैरह, ऐसे भले ध्यान तो रखा ही जाता है लेकिन फिर भी बड़े जो कहते हैं तो और अच्छा लगता है ना। एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी दीदी आए थे पूना में, दूसरी बार जब आए तो उस समय फल काट रहे थे, तो हमें पपैया हमने कभी खाते नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो
तो पपैया काट रहे थे, दीदी ने बोला सबको बुलाओ। तो हमारे साथ जो क्या बोलते दादी जो थे, तो उन्होंने कहा उर्मिला नहीं खाती है पपैया। तो फिर बोले बुलाओ बुलाओ उनको। फिर दीदी आई, वना दीदी के सामने हम गए, तो दीदी ने कहा खाओ, देखो कुछ नहीं होता है, खाओ खाओ देखे क्या होता है, और हमारे मुंह में डाल दिया। तो वो पल बहुत एक आनंदित क्या बोलते पल कहो, कि अपने हाथ से, और कहा कि देखो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, देखो क्या होता है, मैं बैठी हूँ। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा वो लगा। और बड़ी दादी जो है उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन हम लोग जब उनसे मिलने के लिए गए, तो हमने हाथ में हाथ दे करके बड़ी दादी के, 1 मिनट तक बड़ी दादी ने हमें दृष्टि दी, और वो 1 मिनट तक हम ऐसे दृष्टि लेते रहे, जो एक बार भी हमारी पलक जो है वो झपके नहीं। और ऐसे ऐसा महसूस हुआ कि सारी पावर जो थी दादी की वो हमारे अंदर आ गई, यानी रूहानी जो शक्ति कहो, रूहानी पालना कहो, तो वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने। दीदी जी, जैसे हम अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम भी अनुभव में ही गए, खो गए, क्योंकि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। और आपसे जो पालना भी मिल रही है, तो शायद उसी अनुभव के कारण मिल रही है। दीदी, जैसे हम सेंटर पे रहते हैं, बहुत नए जो आते हैं, जो जिज्ञासु आते हैं, कोई अपने प्रॉब्लम से आते हैं, कोई अपना अपना टेंशन होता है, तो उनको भी लगता है कि यहाँ पे कोई पालना मिलती है। तो उन आत्माओं को जब पालना देने की बात आती है, तो समय लगती है परखने की शक्ति, तो उसे हम कैसे प्रयोग में लाएं? वो भी जैसे परखने की बात आती है, तो सचमुच उनको आवश्यकता है, या ऐसे ही माना बाहर से कोई कह रहे हैं, तो ये भी हमें ज्ञान से जो है वो परख शक्ति आ जाती है। तो उस आत्मा को जो आवश्यकता होती है, तो परमात्मा की याद में हमें भी ऐसी टचिंग आती है, तो ऑटोमेटिक वो उनको मिल जाता है। जैसे कई बार होता है ना, किसी को कोई संकल्प आता है, हम आगे से प्रोग्राम दे देते हैं, तो बोलते देखो हमने ऐसे याद किया था, ऐसा संकल्प किया था, और वो हो गया। जैसे अभी अभी का उदाहरण दे करके बताए, अभी अभी का जो है, हम लोगों ने मुंडवा में जाने का प्रोग्राम बनाया, और बुधवार को जब वहाँ क्लास में बताया गया, तो एक भाई को ऐसा संकल्प आया कि हम दीदी को एक बार सदगुरुवार को सुबह बुलाए, दीदी भोग लगाए, और हमको अपने हाथ से अमृत पिलाए। अमृत तो वैसे पिलाते हैं शाम के समय भी, लेकिन भोग लगाए वो वातावरण कैसा होगा। लेकिन जब हम वहां पर गए और हम क्लास के लिए वहां जब शुरू करने वाले थे, तो हमें संकल्प आया, हमें पता नहीं था वो बात का, हमें संकल्प आया कि यहाँ तो हर बार सुबह भोग लगता है, तो हम शाम को भी शुरू करें। तो फिर हमने बहन को मैसेज भेजा कि भोग लगाने की तैयारी करो। तो मुरली के पश्चात भोग लगाया और सबको बताया कि ऐसे अभी हर बार शाम को भी सतगुरुवार को भोग रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा, फिर सबको अमृत पिलाया। फिर बाद में वो भाई ने बताया कि हमें ऐसे सा संकल्प आया था और हमारा संकल्प पूर्ण हो गया। तो परमात्मा की याद में वो टचिंग आ जाती कि किस आत्मा को क्या चाहिए, उसी अनुसार वो मिल जाता है। तो दीदी जी, जैसे पालना देने की विधि तो आप जैसे है ही, लेकिन दादियाँ भी जैसे उस जमाने में, या जब दादियाँ सबको पालना देती थी, तो किस प्रकार से दादियाँ पालना देती थी जो भी नए आते थे उनको? हाँ, दादियों के अंदर भी कोई ऐसे भेद भावना नहीं थी कि ये छोटा है ये बड़ा है, बस वो आत्मा रूप में देखती थी कि ये बाबा का बच्चा है, और बाबा का बच्चा बनकर रहे तो तन से क्या दे सके, मन से क्या दे सके, या ज्ञान से क्या दे सके, उनके अंदर वही भावना बनी रहती थी। इसलिए वो अपना भी ध्यान न रख करके, अपने आराम का भी ध्यान न रख करके, आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने का ही उनका उद्देश्य रहता था, और उसी अनुसार सबको पालना देते रहते। जैसे जो भी आते हैं स्टूडेंट्स या बच्चे, उनको तो पालना मिलती है, बाबा तो देता ही है, और आप दादियों से दीदियों से तो मिलती है, लेकिन जब बात आती है सेंटर्स की जो इंचार्ज बहने हैं उनकी, तो उनको जब पालना देने की बात आती है, तो कौन सी दो बातें दीदी ध्यान में रखें, या कौन सा लक्ष्य हो, या किस प्रकार का अटेंशन हो जो उन टीचर्स बहनों को भी पालना मिले? हाँ, जो बड़ी बहनें होती हैं, तो उनको भी हम एक बड़ापन देते हैं कि आप बड़े हैं, या उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस आदर से वो आत्माएं भी जो हैं
वो अनुभव करते कि हमारा परमात्मा के घर में कुछ महत्व है। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर वो सोचेंगे हमारा कुछ स्थान ही नहीं है। तो रिस्पेक्ट देने के लिए हमारी जो भावना है तो बेहद की हो, विशाल हो जी। और उसके अंदर कोई ऐसे अलग भावना नहीं हो कि मैंने इनको ज्यादा देना उनको कम देना, एक समान भावना समान दृष्टि, तो उससे सब संतुष्ट रहते हैं और सब हल्के रहते हैं और हम भी ऐसे, हमें खुद को भी ऐसा फील होता है कि हम भी ऐसे कर रहे हैं तो वो राइट कर रहे हैं और उसमें लाइट रहते हैं जी। जैसे सेंटर पे दीदी बड़ी बहनें भी होती है, अभी अभी छोटी बहनें भी आती है, तो क्या दोनों की पालना एक जैसे होती है या दोनों को अलग पालना होती है? नहीं, वो तो थोड़ा सा अंतर होगा ही क्योंकि वो जो छोटी बहनें हैं तो इतना ले भी पाए, अगर उनको कुछ भारी ये बताए जाए बात तो शायद वो इतना नहीं कैच कर सकेंगे, तो छोटों को छोटे के हिसाब से और बड़ों को बड़ों के हिसाब से, है ना। बड़ों को रिगार्ड चाहिए, छोटों को स्नेह भी चाहिए और रिगार्ड भी चाहिए, दोनों बातों की आवश्यकता रहती है। और स्थूल रूप में भी हम प्यार से उनको क्या बोलते, जरा शाबाश, बहुत अच्छा किया, और अच्छा करना आगे, ऐसे करते तो और उनको उमंग आते हैं। मतलब किसने भोजन बनाया, कोई टोली बनाई, भले इतनी अच्छी नहीं बनाई फिर भी हम कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छी बनाई, और भी उसमें और थोड़ा सा ऐसा करना, और तो फिर ऐसा इसी के आदर से वो जरा अच्छे करने लगते। हाँ जी दीदी, जैसे आज तक तो हमने यही सुना कि बड़े जो बड़े हैं हमारे से वो हमें पालना देते हैं, आपको भी दादियों से दीदियों से, बाबा तो है ही जो पालना देने वाला, लेकिन दीदी सवाल मेरा ये है कि छोटों से भी पालना मिलती है? हाँ, छोटों से भी मिलती है क्योंकि बाबा का ये जो कार्य चल रहा है वो सभी के सहयोग से चल रहा है जी। तो जब हम उनका ध्यान रखते तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं, तो वो भी इतना प्यार से जो है ना, कोई भी कार्य हमारा पर्सनल भी होगा तो प्यार से करते या बात को मानते, तो ऐसा लगता है कि छोटे होते भी देखो ये बड़ों के समान कर रहे हैं जी। कोई कोई बहनें ऐसी है भले छोटी हैं, ज्ञान में भी छोटी हैं, आयु में भी छोटी हैं, लेकिन ऐसे आके बात बात करेंगे, बैठेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई घर के बड़े हैं, तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। दीदी एक अनुभव सुनाइए ना। अनुभव सुनाए? हाँ, क्योंकि हम सुनना चाहेंगे क्योंकि अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी सीखेंगे और भी सीखेंगे। कोई कोई छोटे जो होते हैं उनको भी समझो कुछ ज्यादा योग का या कुछ विचार सागर मंथन करने का, तो उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है ना कि देखो इतने छोटे होकर के इनको कितनी लगन है लिखने की पढ़ने की या सुनाने की, तो हम भी उनसे सीखते जाते हैं, हर आत्मा से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। दीदी जैसे गुण तो सब में भरे हुए हैं ही, बाबा तो कहता है आप सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, या अभी भी वो संस्कार वो गुण हमारे अंदर है, आप तो सर्वगुणों से भरे हुए हो जो आपसे इतने बच्चे इतनी टीचर्स पालना ले रही है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ऐसा है कि दीदी आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि इसी गुण से हमारे जीवन में कुछ अनुभव बढ़ते जा रहे हैं या कुछ जीवन की प्रेरणा और भी लोगों से ले रहे हैं आपसे, तो ऐसा कौन सा निजी गुण है आप में जो हम सभी सुनना चाहेंगे? ऐसे तो अपने आप गुण नहीं बताए जाते, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बताते हैं। एक तो हम हाजी का जो है वो ध्यान रखते कि जो भी बताया जाए बड़ों से या छोटों से भी या जो भी सेवा है तो उसमें हम हाजी करें, और सिर्फ हाजी नहीं करें उसको प्रैक्टिकल करें। दूसरा, हमने ये गुण को अपनाया हुआ है कि हम सबके साथ एडजस्ट होकर के चले जी। बड़े छोटे समान सबके साथ एडजस्ट होकर चले, कभी हमारे लाइफ में ये बात नहीं आई कि हम इनके साथ नहीं चल सके या इनके साथ नहीं चल सकते या इनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन सबके साथ एडजस्ट होकर चलना, ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये गुण या विशेषता है। और आपकी इस गुण की और विशेषता की हम सभी छोटे बहनों को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये गुण को अगर धारण करेंगे तो सचमुच हम भी थोड़ी थोड़ी बातों छोटी छोटी बातों में जो मूड ऑफ करके लेते हैं या जो भी बातें होती है तो वो हम सीख लेंगे दीदी आपसे, बहुत अच्छा गुण है। जैसे दीदी पालना, आपने बोला कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक को पालना की बहुत आवश्यकता है, तो क्या दीदी आपको लगता है कि अभी भी आपको पालना की आवश्यकता है? बाबा और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो दे ही रहा है,
लेकिन कोई व्यक्ति से जैसे दादियां हैं दीदियां हैं, आपको लगता है कि अभी भी उनकी पालना की आपको आवश्यकता है? हाँ, हमने यही बताया ना शुरू में कि हर आत्मा को अंत तक पालना की आवश्यकता है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। लेकिन हम कोई बात की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बड़े तो ध्यान रखते, जब कोई ऐसा स्पेशल बात होती है और जब बड़ों के द्वारा बुलावा होता है कि दादी ने आपको बुलाया, या इस जी प्रोग्राम में, या ये क्लास है, या मीटिंग है, या कुछ स्पेशल मुलाकात है, तो अच्छा ही लगेगा। माना वो तो जब दादी हमें जी इनवाइट करते हैं तो खुशी होती है ना कि दादी ने हमको बुलाया। माना ऐसा नहीं कि हमें बुलाए, लेकिन बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। जी जैसे दीदी, अगर आपको अगर कोई सपने में दादी आए और दादी आपको पूछे कि रुमिला आपको किस बात की पालना की आवश्यकता है, तो दीदी आप उनको क्या बताएंगे? हाँ, वैसे तो हमारा सपने में कुछ ये नहीं है, क्योंकि सपने का कुछ अर्थ ही नहीं है। ये तो सपने ऐसे आ जाते कभी अचानक, और हम कुछ भी ऐसे मांगेंगे नहीं दादी से, क्योंकि बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। तो हमें कोई पालना का ऐसे कुछ ये नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। दीदी, समय के अनुसार अगर देखा जाए तो आज छोटी हो या बड़ी, सबको, सभी टीचर्स बहनों को पालना की तो आवश्यकता है ही, लेकिन कौन सी एक मुख्य बात है जिनको, जिस कारण टीचर पालना अच्छे से ले सके? बाबा से तो ले ही रहे, लेकिन बड़ों से वो कैसे पालना लेवे, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे जो हम सभी टीचर्स सुनना चाहेंगे। एक तो ऐसा हम बता सकते हैं उनको कि हमें अपने टाइम को देखना है कि टाइम कितना कम बचा है और टाइम कितना नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो इसलिए हमको पल पल को सफल करना है, तो हमें कोई भी व्यर्थ बात में या निगेटिव बातों में टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और अपने पॉजिटिव में ही रह करके समय को सफल करना है। तो ये पालना जो है सभी को बहुत आवश्यक है, और भावनाएं जो है वो सभी के लिए और सदा जो है शुभ भावना सबके लिए रहे। बिल्कुल दीदी, हम सभी टीचर्स इसी पर पुरुषार्थ करेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे दीदी जी, समय अनुसार स्टूडेंट्स को भी बहुत आवश्यक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पुरुषार्थ की बात बताना चाहेंगे जिनको पालना भी मिलती रहे और वो पुरुषार्थ में आगे भी बढ़े? वैसे तो हर रोज ज्ञान योग की पालना मिलती रहती है, लेकिन बीच बीच में अगर हम स्पेशल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, मान लें योग का स्पेशल प्रोग्राम बनाते हैं, या पिकनिक का, या खेल का, तो उससे भी उनको उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भी हम उनको पालना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, जिन्होंने आपने रूहानी पालना पर इतना प्रकाश डाला, और सचमुच आपके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखे कि कैसे हमें पालना मिलती है। बाबा तो दे ही रहा है, लेकिन बड़ों से कैसे पालना लेवे, और सभी टीचर्स के लिए जो आपने बात बताई कि कैसे पुरुषार्थ करें, उस बात को भी हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और सारे स्टूडेंट्स भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। ऑप्शन ओम शांति दीदी। धन्यवाद।